नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लैक होल। ब्लैक होल पिछले कुछ दशकों से इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट रहा और ये यूनिवर्स का सबसे यूनिक ऑब्जेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर आप ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं जानते और जानना चाहते हो ब्लैक होल के बारे में, अगर ब्लैक होल है क्या, तो आज की वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो आप बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाओगे। दोस्तों, जो आप अभी अपने स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज है हमारे मिल्की वे के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की, जिसका नाम इंसानों द्वारा दिया गया है सेजिटेरियस ए। इस इमेज के चलते इंसानों ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ नया जाना। तो आज की वीडियो में हम इसको बताने वाले हैं। तो इसके लिए फटाफट से कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जो पास में बेल आइकन बन के आ रहा है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसी होती है, मतलब ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल स्टार से बनते हैं। स्टार के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती रहती है, जिस कारण स्टार के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये स्टार इनको हीट और लाइट की मदद से बाहर की ओर को छोड़ देते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर को फोर्स लगाता है, यानी कोर की ओर को फोर्स लगाता है, जिस कारण स्टार में एनर्जी की इक्वालिटी बनी रहती है। और ये सब प्रोसेस होती है एक फ्यूल के कारण, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह। ये फ्यूल कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण बाहर को आने वाली हीट एंड लाइट बाहर को आनी बंद हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार कोर की ओर को फोर्स लगाता है, इस कारण स्टार में इतना फोर्स जनरेट होता है कि स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स हो जाता है, यानी उसके अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। आइए सुपरनोवा एक्सप्लोजन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बलून लिया, आप उसमें हवा भरते गए और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हवा के कारण उसके अंदर इतना प्रेशर जनरेट होगा कि वो बलून फट जाएगा। उसी तरह जब स्टार के अंदर ज्यादा ही ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा हीट एनर्जी उसके बाहर नहीं निकल पाती, उसके अंदर जमा हो जाती है, तब स्टार फट जाता है। इसी को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, ये सब डिपेंड करता है स्टार का मास कितना था। देखिए, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो स्टार इतना कोलैप्स हो जाता है, अपने अंदर इतना कोलैप्स हो जाता है। मान लीजिए हमारे सूरज जितना कोई स्टार है, अगर इसका हम ब्लैक होल बनाएंगे तो इसका डायमीटर होगा सिर्फ 50 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि उसके एटम कितने सिकुड़ जाते होंगे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बचता है सिर्फ स्टार का कोर। अगर कोर का मास बहुत ज्यादा कम है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा, अगर कोर का मास ज्यादा है तो वो एक ब्लैक होल कहलाएगा। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देख लो, आप जरूर समझ जाओगे। चलिए हम अब बात करते हैं ब्लैक होल के टाइप्स के बारे में, यानी ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, वो ब्लैक होल जिनकी फॉर्मेशन छोटे स्टार से होती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ऐसे ब्लैक होल हमारे मिल्की वे में 1 मिलियन से 1 बिलियन तक हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरे टाइप में आते हैं प्रीमोडियल ब्लैक होल, जो होते तो एक एटम जितने ब्लैक होल हैं, पर इनका मास हमारे माउंट एवरेस्ट से ज्यादा हो सकता है। और तीसरे टाइप के ब्लैक होल होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये बहुत ही ज्यादा बड़े ब्लैक होल होते हैं। इनका मास लगभग 10 ट्रिलियन सन से 100 ट्रिलियन सन तक हो सकता है, और इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो पूछो ही मत। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है जिसकी इंसान गिनती भी नहीं कर सकता। और हमारे मिल्की वे के बीच में मौजूद सेजिटेरियस ए भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका चक्कर हमारा सन लगा रहा है, और पूरी लाइफ टाइम में अभी तक आज तक हमारा सूरज उसके बस 18 बार ही चक्कर लगा पाया है। आप इसको सुनकर समझ गए होंगे कि वो ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं, इनका डायमीटर कितना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जो पास में बेल नोटिफिकेशन बन के आ रहा है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और फैला दो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए बाय, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।